हमने जब भी अपने इंस्टांस लॉन्च करने हैं तो हम अमेजन मशीन इंस्टांस को यूज़ करते हैं, AMI। तो हमारे पास पहले ही एक बहुत सारी AMIs अवेलेबल हैं, जो मार्केट प्लेस में जो कम्युनिटी ने डेवलप की हुई AMIs है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने अपनी कस्टम AMI कैसे क्रिएट करनी है, तो फिर उसके बाद उससे देखेंगे जो हमने कस्टम AMI के क्रिएट की है तो क्या उससे इंस्टांस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम हमारे पास पहले ही एक इंस्टांस रन कर रहा है, तो हमारे पास जो इंस्टांस है EC2 वाला इंस्टांस हमारे पास, जिसमें हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया था वो वाला इंस्टांस रन कर रहा है। तो उसी इंस्टांस की अब क्या है कि जो हमने इंस्टांस किया था वो अमेजन लिनक्स वाला था, और उसके ऊपर हमने क्या किया था, वेब सर्वर इंस्टॉल किया था। अब हमें हम चाहते हैं कि हम एक AMI क्रिएट करें कि जिसके अंदर वो अमेजन लिनक्स तो हो ही, उसके अंदर वेब सर्वर अपाचे वाला प्री इंस्टॉल हो। तो हमने जो एक इंस्टांस क्रिएट किया था उसके अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया था, उसको ऑन कर दिया था, उसको एक्टिवेट कर दिया था, उसके बाद एसेस करके भी देख लिया था कि हमारा वेब सर्वर चल रहा है। तब हमने इसी जो हमारी इंस्टांसेस है उसी से ही हमने क्या करना है, एक कस्टम AMI तो को तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्शन है कि ये आप क्या कर सकते हो, स्टॉप, रीबूट, टर्मिनेटर। यहाँ पे हमारे पास है कि अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे एक हमारे पास आ जाएगा इमेज एंड टेम्पलेट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट इमेज। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल क्लिक कर देना है क्रिएट इमेज, तो वहाँ हमारे से डिटेल वगैरह पूछेगा। तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारा जो ये एक वेब सर्वर सर्वर AMI हम क्रिएट करने वाले हैं, वेब सर्वर AMI, यही इसका एक नाम दे देते हैं, वेब सर्वर AMI है हमारी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन AMI बेस्ड ऑन अमेजन लाइनिक्स, ये हमने इसको नहीं छेड़ना है, रीबूट वगैरह। उसके बाद टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर। तो इसका मतलब कोई इमेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने क्विकली इमेज को क्रिएट कर सकते हो। जस्ट आपने उसका एक नाम देना है, उसके बाद हमने उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, क्लिक करके जो हमारे पास क्रिएट ऑप्शन है उसको क्या कर देना है, क्रिएट इमेज। तो ये हमारा इस इंस्टांस बेस हमारे पास AMI क्रिएट हो जाएगी। अब हमने चेक करना है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड AMI फॉर इंस्टांस, ये जो वाला है उसका एक उन्होंने दे दिया कि इस इंस्टांस से हमने की है। तो हमारे पास अब AMI नज़र कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं AMI। तो यहाँ पे हमारे पास वो शो कर रहा है कि ये एक हमारे पास AMI नेम हो गया, सोर्स ये वाला, ओनर, विजिबिलिटी प्राइवेट, स्टेटस अभी क्या आपको शो कर रहा है वो पेंडिंग शो कर रहा है, बाकी डिटेल है, प्लेटफॉर्म है, बूट डिवाइसेस है, वर्चुअलाइजेशन कौन सी है। तो थोड़ी देर बाद ये जो स्टेट है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो कि क्या आपने कुछ नाम वगैरह देना है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा आपका, AMI के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद जब हमने जब इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि लॉन्च इंस्टांस फॉर AMI, बट अभी हम इसकी वेट करेंगे। जहाँ हमारा फिर ट्रेडिशनल तरीका कि आप यहाँ पे जाओगे इंस्टांसेज पे, जब आप इंस्टांसेज पे जाओगे तो वहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लॉन्च इंस्टांस करेंगे, लॉन्च इंस्टांस, तो वहाँ पे तो ओल्ड या न्यू कहीं से भी आप कर सकते हो। तो सपोज हम वापस ओल्ड पे चलते हैं, तो AMI इसमें हमें काम पे शो करेगा माई AMI, अभी वो क्रिएट कर रहा है इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, उसकी AMI अवेलेबल होगी कहाँ पे, MyAMI में। तो इसको हम चेक करेंगे कि कैसे हमने उससे इंस्टांस को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं कि चेक करके कि हमारा वो AMI जो है अवेलेबल है या नहीं है। तो फिर वापस आते हैं AMI, तो स्टिल देखते हैं कि अभी स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो हम इसके बाद जो है यहाँ से एक इंस्टांस लॉन्च करके देखेंगे।